ये रेस जीत ली है सरबजीत ने। विनर को प्राइज देने आ रही है मिस बिहार गर्ल। सरब की हो चुकी है मेहर की जिंदगी में एंट्री। भाई पहले तो हमें देखा इतना किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों में झगड़ा होता है, लेकिन अब जो आसमा है ना वो चलती है बड़ी चाल, मतलब उसको सबक सिखाना है मेहर को। वीरे, वीरे, भाग मेरे की तरह। रन सरब रन। ये रेस जीत ली है सरबजीत ने। विनर को प्राइज देने आ रही है मिस बिहार गर्ल। और अब हो जाएगी हमारे सरब की भाई एंट्री मेहर के ऑफिस में। और यहाँ पर हम देखेंगे सरब ना मेहर के ऑफिस में है और पैर पर पैर रख के टेबल पर आराम से बैठा है, मैगजीन पढ़ रहा है। और अचानक से मेहर आती है और देख के ना शॉक हो जाएगी, बोले तुम यहाँ पर कैसे, कि मेहर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना इस समय वो सरब है। और उसे देख कर ना एकदम उसके होश उड़ जाएंगे और बोलेगा तुम यहाँ कैसे, वो बोलेगी तुम यहाँ कैसे, और सरब बोलेगा कि मुझे तो यही होना चाहिए ना, और तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। और फिर हानिया आती है और हानिया बताती है कि मम्मी ने इसको ऑफिस में रख लिया है और यहाँ पर ये आज से हमारे साथ काम करेगा। और ये सुनकर ना मेहर तो और आग बबूला हो जाती है, बहुत गुस्सा आने लगता है। तो भाई अब यहाँ पर मेहर का छोड़ने वाली है, मेहर लेगी उससे बदला। और यहाँ पर मेहर ना सरब को बहुत बड़ा काम दे देती है, वो कहती है देखो डिजाइनर ब्लाउजेस हैं यहाँ पर और ब्लाउजेस में ना हुक लगाने हैं। तो पहली बात तो उसे लगता है कि शायद हुक का नाम सुनकर और ब्लाउज का नाम सुनकर वो थोड़ा सा शर्मा जाएगा, लेकिन उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर कहती है कि वो 200 ब्लाउज हैं, इन पे तुम्हें हुक लगाने हैं और ये सारा काम मुझे आज ही चाहिए। और ये सुनकर ना सरब को थोड़ा सा तो लगता है कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन वो जवाब देता है मेहर को, बोलता है कि भाई काम तो काम है ना, मैं कर लूंगा ये, और मैं कैसे भी करूं भाई, मेरे को ना बहुत कॉन्फिडेंस है अपने अंदर। और मेहर कहती है कि ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तो सरब कहता है कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस है और मैं ये सारा काम करके रहूंगा। और वहीं हम देख रहे हैं कि मेहर और जो सरब है ना वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और यहां पर भाई सरब तो पहले से उसको अपनी कैटरीना कैफ समझता है ना, तो उसको फ्लर्ट करना शुरू भी कर देता है। और हानिया भाई देख कर ना थोड़ी सी जल रही है अंदर से, उसको लग रहा है कि नहीं भाई कहीं ना कहीं हानिया को पसंद आने लगा था ना सरब और उसको प्यार भी होने लगा था, तो उसको शायद थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है। लेकिन अब देखेंगे आने वाले एपिसोड में भाई मेहर किस तरीके से सरब के संग बदला लेती है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही नहीं पसंद करती है। और आसमा किस तरीके से यहाँ पर सबक सिखा पाती है मेहर को, ये भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली भाई उसी को सिखाने के लिए तो सारी चीज़ों के लिए उसको बुलाया है सरब को, कि एक सरब ही उनको लग रहा है कि ऐसा बंदा है जो अब मेहर को सिखा पाएगा अच्छे से।